सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स इन पैरेलल। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किए सेल्स इन सीरीज, और ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो ग्रुपिंग ऑफ सेल्स, इस तरह से हम ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पढ़े थे। ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर पहले पढ़े थे, फिर अब इसी चैप्टर में हमने पढ़े थे थर्ड चैप्टर में ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर, राइट। और अब पढ़ रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो उसके हम दो तरह से ग्रुपिंग कर सकते हैं, एक सीरीज में और एक पैरेलल, राइट। तो इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म है कि हम आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज और पैरेलल में कनेक्ट करके उसका मैथमेटिकल और उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो सीरीज वाले को हमने प्रीवियस टॉपिक में, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिए। अब पैरेलल वाले को हम बदर करते हैं उसी तरह से कि यहाँ पर हमने आइडेंटिकल सेल लिए, क्योंकि हम ग्रुपिंग किस कर रहे हैं, आइडेंटिकल सेल्स का ग्रुपिंग कर रहे हैं और वो पैरेलल में हो। तो यहाँ पर डायग्राम में मैंने तीन को रिप्रेजेंट किया, तीन सेल को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब ऐसा नहीं कि ये डायग्राम आपको वो कैपेसिटर जैसे समझ लग रहा हो, राइट। देख लीजिए, ये सेल है, एक बिगर लाइन है, एक स्मॉलर लाइन है, राइट। तो इसकी जो EMF है एक कैपिटल ई है, इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉलर है, दैट इज इक्विवेलेंट। सारे का EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल है, और इन सारे इसको पैरेलल कनेक्ट है, और इन सारे सेटअप को हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया, जिसकी रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, राइट। तो यही यहाँ पर इंट्रोडक्शन में कहानी लिखा गया है। कंसीडर एन आइडेंटिकल सेल ईच ऑफ EMF ई एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर कनेक्टेड इन पैरेलल एज शोन इन द फिगर, है ना। हमने बहुत सारे आइडेंटिकल सेल को जिसकी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, उसको हमने पैरेलल कनेक्ट कर लिया, जिस तरह से डायग्राम में रिप्रेजेंट है, राइट। तो प्रीवियस टॉपिक में भी हमने उसका EMF कैलकुलेट किए थे, और टोटल EMF, इफेक्टिव EMF कैलकुलेट किए थे, और इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट किए थे, और फिर उससे हमने ओम्स लॉ अप्लाई करके करंट सर्किट में कैलकुलेट कर लिए थे, और स्पेशल केसेस। तो सेम टास्क यहाँ भी करना है, राइट। तो सो द टोटल EMF ऑफ अ सेल, ऑफ ऑल सेल, विल बी इक्वल टू द EMF ऑफ अ सेल। पैरेलल में क्या हो जाएगा, EMF एक का जो है वो सारे के इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि ये पैरेलल में है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि टोटल EMF ऑफ ऑल द सेल, जो भी आपने पैरेलल में सेल कनेक्ट किए हैं, एक कंसेप्ट आपको लर्न रखना है, राइट। सो द टोटल EMF ऑफ ऑल द सेल विल बी इक्वल टू EMF ऑफ अ सिंगल सेल या सेल, मतलब एक सिंगल सेल का EMF कितना है, कैपिटल ई है, that will be equivalent to effective, that means total EMF of circuit, उसमें आप तीन कनेक्ट करो, चार कनेक्ट करो, या n कनेक्ट करो, right? That will be this. And effective resistance, अब parallel में आपको ध्यान आना चाहिए कि resistance का formula 1/R में हो जाता है। तो effective resistance कितना हो जाएगा, तो 1/R effective is equal to 1/R plus 1/R plus and so on। तो ये कितना हो जाएगा, 1/1 का हमें summation करना है, तो ये N/R। तो R effective, just इसको हमने reverse कर दिए, क्योंकि R effective हमें calculate करना हो जाए करना है, तो R effective is equal to R/N। ये दो तरह के यहाँ पर symbol है R का, तो ये R ही है, ये भी R है, तो ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ जाएगा, तो R effective is equal to small R upon small n। तो ये क्या है, ये parallel combination में, cell के parallel combination में जो cell के across internal resistance, effective internal resistance होगा, that is equivalent to this, right? तो main task तो हमने कर लिया, EMF calculate कर लिया circuit के across, और रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, राइट। तो करंट का फॉर्मूला अप्लाई करके प्रीवियस टॉपिक जैसे इसको फाइंड आउट कर लेते हैं। देयरफॉर द करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट इज गिवन बाय I = V/R, सिंपल फॉर्मूला ओम्स लॉ से। तो EMF V की जगह कितना है, E है, और टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R+R, लेकिन R की जगह हमें क्या रखना है, R की जगह क्या रखना है, करूं।
तो हमने जो फॉर्मूला है यहाँ पर है, ये फॉर्मूला होता है I is equal to V upon R। ये सिंपल सर्किट में जिसमें एक एक्सटर्नल रेजिस्टर हो और उसका पोटेंशियल डिफरेंस V हो, तो उसमें करंट भी I is equal to V upon R होता है। अब यहाँ पर हम सेल की बात कर रहे हैं, तो सेल में जो EMF होगा वो E होगा और उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट विल बी इक्विवेलेंट टू, यहाँ पर इस तरह से आप लिख सकते हो कि ये तो E हो गया और एक फॉर्मूला इसमें और एडअप कर लो, E upon R plus R effective। क्यों? क्योंकि हमें इस इंटरनल रजिस्टर को, इंटरनल रजिस्टर यानी कि हम सेल की बात कर रहे हैं, उसका हमें R इफेक्टिव फाइंड आउट यहाँ पर रखना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस ये होगा एक्सटर्नल रजिस्टर रेजिस्टेंस प्लस R इफेक्टिव। तो R इफेक्टिव की वैल्यू कितनी है, अभी हमने ये कैलकुलेट किए स्मॉल R अपॉन स्मॉल M, राइट। तो यहाँ पर ये चीज सब्सक्रिप्ट कर दिया, राइट। तो ये हो गया R प्लस स्मॉल R अपॉन स्मॉल M। तो इसका LCM ले लिए तो ये NR अपॉन R और ये N ऊपर चला गया तो NE अपॉन NR प्लस R, राइट। ये मैं ड्रॉइंग डाउन, एक करंट कितना फ्लो होगा, I is equal to NE अपॉन NR प्लस स्मॉल R, ये करंट फ्लो होगा, राइट। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट होगा सर्किट में, रिजल्टेंट करंट होगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू NE अपॉन NR प्लस R। मैं यहाँ इस फॉर्मुलेशंस को लर्न करने के नहीं बोल रहा हूँ, डेरिवेशंस आता है तो आप इस पे डेरिवेशन कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स के लिए आप इसमें सिंपल फॉर्मुलेशंस जो लास्ट में आते हैं स्पेशल केस वाले वो ज्यादातर लिख देते हैं, राइट। और आप दो मिनट में इसको आप फाइंड आउट भी कर सकते हैं, अगर फॉर्मूला नहीं भी याद है तो इमीडिएटली आप ट्रॉपिक उसको ट्राई भी कर सकते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए। तो स्पेशल केस पिछले जैसे कर लेते हैं कि अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो उसके इंटरनल रेजिस्टेंस है तो क्या हो जाएगा, स्मॉल आर क्या हो जाएगा, ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, तो ये एन ई अपॉन एन आर बच जाएगा, तो एन एन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये फॉर्मूला आ जाएगा आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर। जब सर्किट में पैरेलल सर्किट में अगर एक्सटर्नल रजिस्टर इंटरनल रजिस्टर एक्सटर्नल रजिस्टेंस इंटरनल रजिस्टेंस से ज्यादा हो तो उसमें उस टाइम जो करंट होगा दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ईएमएफ ऑफ द सेल, दैट मीन्स इफेक्टिव ईएमएफ, और इफेक्टिव ईएमएफ और ईएमएफ इक्वल है, राइट, ई के इक्वल है क्योंकि पैरेलल है, और रेजिस्टेंस ऑफ द एक्सटर्नल रेजिस्टर, ये करेक्ट। अब इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा कि जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस से कम हो तब क्या हो जाएगा, व्हेन आर वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर देन आई इज इक्वल टू, यहां पर अब ये नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वाले टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे, तो एन ई अपॉन स्मॉल आर, ये करंट का फॉर्मूला हो जाएगा एन ई अपॉन स्मॉल आर, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट करंट इन द सर्किट ऑफ अ सेल विच आर कनेक्टेड इन पैरेलल केसेस एंड सेल्स आर equivalent, having equivalent EMF and equivalent equal internal resistance, right? So in brief, आपको previous topic के दोनों similar ही हैं, cells in parallel and cells in series, है ना? Similar in the sense कि derivations का concept जो है, वो similar है। Diagram आपका बहुत ही easy है, just आपको उसको series में एक external resistor से connect कर देना है, parallel में एक एक्सटर्नल रजिस्टर से कनेक्ट कर देना है और करंट फाइंड आउट करना है। तो करंट फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये आपको प्रीवियस क्लास से ही मालूम चलते आ रहा है, पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो उसमें आप इक्विवेलेंट दोनों फाइंड आउट कर लीजिए, उसके क्रॉस पोटेंशियल कितना है, रेजिस्टेंस कितना है, राइट, और उनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके और स्पेशल केस फाइंड आउट कर लीजिए कंडीशन अप्लाई करके, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल आर और वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, तो करेंट फाइंड आउट, ओके।